और इस क्षेत्र के लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं। हमारी प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव भी उन्होंने लड़ा है, मूल चुनाव भी लड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी। अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो सरकार के वायदे ही इस बार के मुद्दे हैं, और मुद्दों को जो सरकार ने अपने झूठे वायदे से लोगों को झांसे में रखकर जो मतदान लिया था, अब उसी मतदाता वही मतदाता अब उन्हें उनके विषयों पर ही जो उनके नकारात्मक समय लोगों के अहित के लिए जो उन्होंने जो भी उन्होंने एक माहौल यहाँ पर तैयार किया है, जो नैरेटिव सेट किए हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति का बीज बोया है, उससे अब बाहर निकल कर डेवलपमेंट की राजनीति में लोग अपना मतदान करेंगे। हेमंत सोरेन आए हुए थे, वो लगातार जो है सरकार की उपलब्धियाँ गिना रहे थे, इस विषय में आप समझ रहे हैं कि कितना बार अभी लगातार एक मंत्री के यहाँ पर लगातार पूरा इतना कैंपेन हो रहा है, आप समझ सकते हैं कारण क्या है कि उनका ये जो डुमरी और डुमरी के मतदाताओं से मोहभंग हुआ है, इसीलिए लगातार कैंपेन करके कोई नया बात नया झांसा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या मुद्दा है? हमारे यहाँ एक अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं है, ना मेरे यहाँ कोई ऐसा साधन है बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। मैं यही तीनों मुद्दों को लेकर मैं चुनाव पर हूँ। जनता आपको आशीर्वाद देती है और विधायक बन जाते, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम तो मैं यहाँ पर जो हमारा बेरोजगार जो इस हमारे राज्य से जो बाहर जाता है उनको भरपूर हम कोशिश करें कि वो हमारे ही देश में हमारे ही गांव ग्राम में हमारे क्षेत्र में ही काम करें और यहीं से ही वो अपने जीव को उपार्जन करें। और इस बार हम लोगों का गठबंधन है, पिछले बार हम लोगों का गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार 2019 में नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित है इस बार NDA का सरकार बनेगा। और जो राज्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो हेमंत सोरेन के सरकार में जो लूट खसोट हुआ, जो अपराध बढ़ा, जिस प्रकार से युवाओं को ठगा गया, किसानों को ठगा गया, निश्चित है जनता में आक्रोश है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगा और वैसे भ्रष्टाचारियों को और वैसे घोटालेबाजों को, वैसे अपराध जो का ग्राफ बढ़ा है, वैसे लोगों को निश्चित है सलाखों के पीछे हम लोग भेजेंगे। और स्पष्ट है कि बहुमत और जिस प्रकार से लोगों का सहयोग मिल रहा है, उत्साह लोगों में, NDA की सरकार बनेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।